हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, इट्स मी फालू। सो आज मैं आ चुकी हूँ फाइनली वन मंथ के बाद जोधपुर, यानी मेरी ससुराल आ चुकी हूँ। और यहाँ पर कुछ रिट्यूल होता है कि मीन्स ऐसे होली करके आते हैं, तो क्या करते हैं, होली की धोक देने जाते हैं सब जगह, घर घर। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं फटाफट हम लोग तैयार। और दोपहर का अराउंड 2:15 बज रहा है, खाना वाना भी हम लोगों ने खा लिया। अभी ये स्कूल से आए हैं, आज संडे फिर भी स्कूल गए थे, बोर्ड है इनके। सो अभी 16 तारीख से इनके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। सो फटाफट चलिए चलते हैं, देखते कितना मजा आता है। फर्स्ट टाइम, मतलब मेरी पहली होली थी, होली तो मैंने यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं करी, नेक्स्ट टाइम करेंगे जरूर। पर अभी हम लोग जा रहे हैं धोख देने सबके से, चलिए चलते हैं धोख देने। तो यस गाइस, जैसे कि देखा लास्ट हम लोग मतलब धोक देने गए थे, अभी काफ़ी घर थोड़े बाकी रह गए हैं। आज डे 2 है और हम लोगों ने मतलब जैसा लास्ट देखा, हम लोगों को पूरी बना रहे थे। वो इस रीज़न से क्योंकि हमारे यहाँ सातम पूजी जाती है, सातम आठम होती है, मीन्स एक दिन ठंडा बना मतलब पूरा खाना बनाते हैं और दूसरे दिन उसे पूरा मतलब उसी दिन खाना पड़ता है ठंडा खाना। मीन्स जिसके यहाँ होता है वो समझ जाना, जिसके यहाँ नहीं होता उसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी। सो यस, अभी हम लोगों ने मतलब अर्धा थोड़ा बहुत कुछ बना लिया, थोड़ा बहुत आज बनाना है। मतलब थोड़ा बहुत क्या, सब कुछ आज ही बनाना है। बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे, दही बड़े हैं और भी पूरियां हैं, बहुत कुछ है, मुझे पता नहीं है अभी वैसे। पर जैसे जैसे बनाएंगे मैं आपको सब कुछ बताती रहूँगी, तो जुड़े रहना इस व्लॉग में। और कल हम कैसे पूजने जाते हैं वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये व्लॉग, सो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, जैसे कि गुजरात में तो सातम होती है, पूजी जाती है, और हमारे यहाँ बट आठम ढोकते, उसके पीछे कोई रीज़न है, मैं पूछ के बताऊँगी मम्मी से, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो हम लोगों ने बनाया था सांगरिये की सब्ज़ी, इमली की चटनी, ये गुड़ का पानी है जिससे हम पूरी बनाने वाले, मीठी या बेसन की पूरी की तैयारी हो रही है। और ये मैंने मीठी पूरियाँ मतलब बेलना मैं शुरू करने वाली हूँ। और देखिए, मैंने इतनी पूरियाँ बेल ली है, प्लस शक्कर पारे भी बेल लिए। पर मुझसे है ना बेसन की पूरी बार बार टूट टूट कर रही थी, फिर मैंने ले लिया रोटी मेकर, जिससे मेरी पूरी देख सकते हो आप कितनी ईजीली प्रेस करके, और ये तुरंत ही देखिए रेडी। तो वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। फिर मम्मी ने ये पापड़ तले, नॉट हार्ड, हाँ मम्मी ने पापड़ तले थे, उसके बाद पूरियाँ मम्मी ने ही सारी तली थी, उसके बाद मीठी पूरियाँ भी मम्मी ने तली, और फिर मतलब सारी जो भी मतलब तलने की आइटम्स थी वो सब तली। और हम लोगों ने देखिए क्या क्या बनाया, मैदे की पूरी, ये है बेसन की, ये मीठी शक्कर पारे और मैदे की पूरी। और उसके बाद रात को हम मम्मी ने बनाया था ये राबोड़ी, पता नहीं क्या होती है, मुझे नहीं पता, राबोड़ी। और साथ ही साथ मैं खाने की तैयारी कर रही थी शाम के, बिकॉज फिर खाना भी तो खाना था अखे दिन से। और ये देखिए 2 टब भर के हम लोगों ने खाना बनाया ठंडा, लाइक सीरियसली। और हमारे यहाँ पर नए मेंबर आ चुके हैं हमारी हेल्प करवाने, देख सकते हो किराज किलर बॉय अक्की, ये इतनी पूरियाँ इन्होंने बनाई है। और ये हमारे भूमा और वहाँ मम्मी थोड़ा काम कर रहे हैं। तो यस, यही था हमारा सारा काम, ख़त्म करके थक हार के आए हैं ऊपर। और अभी द आर्ट एंड द आर्टिस्ट, तो मैं लगा रही थी पर मुझे थोड़ा बैठ नहीं रहा है, तो ये लगा रहे हैं। ये थोड़े प्रोफेशनल मेहंदी वाले हैं, किसी को भी लगवानी हो तो यहाँ पर इनकी इंस्टा आईडी में मेंशन कर दूँगी, सो DM करें। और ये थोड़ा गलत बना रहे, मैं इनको बुद्धि भी मार देती हूँ, रुको।
तो उसके बाद हम सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, देख सकते हो कितना अंधेरा है, मैं मम्मी मतलब जितनी भी हम लोग सब लेडीज़ हैं वो सब गए थे माताजी ठंडे करने, मतलब गाँव होते हैं ये देखिए जैसे कि गाँव, और ये लोटे में पानी लेके 5 या 7 बार ऐसे जाना पड़ता है पानी डोलते डोलते। तो जैसे कि अभी हम मेरे और मम्मी ने तो मतलब सुबह ही कर दिया था, पर कोई था नहीं व्लॉग शूट करने के लिए तो मैं शूट नहीं कर पाया था। ये है मेरी देवरानी और मतलब चाची सासू जी है, तो अभी ये लोग पूजा कर रहे हैं, हम लोगों ने तो कर ली और आराम से बैठे, अब फटाफट नहाएंगे और फिर रेडी भी होना है, पूजा करनी है शीतला माता की। सो और ये है हमारी क्यूटी पाई आव्या, देख सकते हो। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर, नहा ली मैं ठंडे ठंडे पानी से सुबह 6 बजे, और उसके बाद मैं मेकअप कर रही हूँ थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी क्योंकि फिर फटाफट नीचे भी जाना था। तो देख सकते हो आप लोग मेरी स्पीड के, मैं कितनी 4G या 5G या 7G की स्पीड से मेकअप कर रही हूँ बिकॉज नीचे जल्दी जाना भी था, और ऐसा कि गर्मी भी बहुत लग रही थी क्योंकि पंखा मैंने बंद करके रखा था, वो श्रीराम सो रहे थे इस वजह से उनको ठंडी लग रही थी। सो चलिए चलते हैं नीचे। चुकी हूँ रेडी, हूँ अभी हमारे श्रीराम जो मुझे बोल रहे थे कि तेरा ब्लॉग शूट कर दूंगा, वो अभी तक उठे नहीं हैं, और तो मैंने ये बताना मैं कैसी लग रही हूँ, और अभी चलते हैं नीचे और जाके देखते हैं क्या हो रहा है नीचे। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, फिर सबसे पहला काम लड्डू गोपाल को नहलाना और तैयार करना। तो देख सकते तैयार होने के बाद इनका लुक कितने प्यारे लग रहे हैं आज ये, और ये सुबह आज जल्दी नहा ली है। ओम जय शीतला माता, मैया जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। ओम जय शीतला माता, ओम जय शीतला माता, मैया जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। ओम जय शीतला माता। सिंहासन शोभित श्वेत छत्र भाता, मैया श्वेत छत्र भाता, रिद्धि सिद्धि चवर डोलावे, रिद्धि सिद्धि चवर डोलावे, जगमग छवि छाता। ओम जय शीतला माता, सेवत ठाढ़े सेवे शिव धाता, मैया सेवे शिव धाता, वेद पुराण वर्णत, वेद पुराण वर्णत, पार नहीं पाता। ओम जय शीतला माता, चंद्र वीणा था, मैया चंद्र वीणा था, सूरज ताल बजावे, सूरज ताल बजावे, नारद मुनि गाता। ओम जय शीतला माता, शहनाई बाजे मन भाता, मैया बाजे मन भाता, करे भक्त जन आरत,
हरे भट जन आरती लख लख हर्षाता ओम जय शीतला माता। भक्तन को सुख देती मातु पिता भ्राता ओम जय शीतला माता। जो जन ध्यान लगावे प्रेम शक्ति पाता। हेलो गाइस, सब्सक्राइब करना। सो यही था हमारा, आप लोगों ने देखा हम लोगों ने किस तरह से पूजा करी और थके हारे हम दो दिन के कंटिन्यू भागा दौड़ी, मतलब खाना बनाना लाइक फिर पूजा करना जल्दी उठना टाइम से सोना नहीं, मतलब फिर भी जो भी था मजा आ गया। आप लोगों ने देखा हम लोगों ने किस तरह से पूजा की, आपके यहाँ भी इस तरह से पूजा होती थी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तब तक के लिए बने रहिए इस ब्लॉग में, मतलब आगे और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स ऐसे ही आते रहेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून और बाय।